उसमें शामिल चार अपराध कर्मियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। घटना में प्रयुक्त दो देसी पिस्टल को पुलिस ने जब्त किया है, पांच कारतूस के साथ। घटना में जो एक मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। घटना में अपराध कर्मियों ने जिन कपड़ों का इस्तेमाल किया था, जो CCTV में दिख रहे थे, उसको भी पुलिस ने जब्त किया है। और घटना में जो इन लोगों ने चार मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किए थे उसको भी पुलिस ने जब्त किया है। मैं इस सिलसिले में आपको बता दूं कि इस घटना को गंभीरता से लेते हुए DIG बेगूसराय और पुलिस अधीक्षक बेगूसराय के द्वारा चार स्पेशल टीमों का गठन किया गया था। ये टीम लगातार अपना काम कर रही थी और इसमें हम लोग को नज़दीक के जो छः जिले हैं, पटना, समस्तीपुर, खगड़िया, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, रेल पुलिस जमालपुर से वेल कोऑर्डिनेटेड सपोर्ट मिला। साथ में STF, CID, स्पेशल ब्रांच, आर्थिक अपराध इकाई, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और पुलिस मुख्यालय के वरीय पदाधिकारियों की भी हम लोग को लगातार इसमें मदद मिली। अब तक 22 स्थलों से जो CCTV फुटेज का हम लोग ने अवलोकन किया, उसके आधार पे दो बाइक पे चार अपराधकर्मी इस घटना को कारित कर भागते हुए दिखाई दिए थे। सूत्रों से जो जानकारी मिली थी और फुटेज से जो मिलान किया था, उसके आधार पे इन अपराधियों की गिरफ्तारी की और इनसे ये सारी चीज़ें मिली हैं। मैं इसमें आगे आपको बता दूँ कि जो हम लोग ने टेक्निकल सर्विलांस किया था घटना के तुरंत बाद, और जो CCTV की फुटेज हम लोग को आई थी, उसके आधार पे युवराज को चिन्हित किया गया था और युवराज की गिरफ्तारी की। पूछताछ में युवराज ने अपना अपराध स्वीकार किया। युवराज ने बताया कि उसके बाइक के पीछे जो लड़का बैठा हुआ फुटेज में दिख रहा है वो सुमित है, और उसने बताया कि घटना में जो उसने एक येल्लो रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी, ये सुमित के घर पर है। इसके बाद तुरंत टीम ने सुमित के घर पर छापा मारा और सुमित के घर में वो येल्लो जो टी शर्ट है उसको पुलिस ने बरामद किया है। इसके बाद सुमित को भी अरेस्ट किया गया। युवराज की निशानदेही पे इस घटना में दो देसी पिस्टलों का जो इन लोगों ने इस्तेमाल किया था उसको पुलिस ने निशानदेही पे बरामद किया, और युवराज की निशानदेही पे जिस बाइक पे युवराज बैठा हुआ था येल्लो रंग की टी शर्ट पहन के, जो सभी ने देखा है, उसको भी पुलिस ने बरामद किया है। पूछताछ में जो दूसरी मोटरसाइकिल थी उसके बारे में दो अपराधकर्मियों के बारे में इन लोगों ने बताया है, जिसपे हमारी विशेष टीम अभी काम कर रही है। देखिए, पूछताछ में इन्होंने बताया है कि इनके साथ इस घटना की प्लानिंग और षड्यंत्र रचने में चुनचुन और केशव लघवा भी शामिल थे। ये सभी पहले से एवं घटना के समय आपस में फोन के माध्यम से लगातार संपर्क में थे। इस बात की जब टेक्निकल एनालिसिस से जांच की गई तो इसको सही पाया गया, और उसके बाद चुनचुन को गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद टीम नागा की तलाश की, लेकिन उस समय तक जो केशव उर्फ नागा है वो जिले से बाहर भाग चुका था। तो विशेष टीम ने इसको झाझा जमुई के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया और वहाँ से इसको लाया गया है। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो चुनचुन है उस पर मर्डर का एक केस, लूट के दो केस, आम शक के तीन, कुल छः संगीन मामले दर्ज हैं। 2.5 साल जेल में रहा है और कुछ ही दिन पहले जेल से निकला है। केशव उर्फ नागा, इस पर भी आम शक के दो मामले दर्ज हैं। हथियार रखने के जुर्म में यह भी पहले जेल जा चुका है, और सुजित पे भी एक आम शक का मामला दर्ज है। तो देख सकते हैं कि इन सभी पे संगीन धाराओं में जो आपराधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस इन पर लगातार कार्रवाइयाँ करती रही है। मैं आपको बता दूं कि इस घटना में लाइनर के रूप में अन्य लोग भी हो सकते हैं और इसकी जांच अभी हो रही है। देखिए, अब तक इस अनुसंधान में प्रथम दृष्टि पाया गया है कि इस घटना के पीछे अपराधियों का मकसद क्षेत्र में दहशत फैलाना है। मकसद के अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। सर, नागा के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसको जबरन उठाया गया, जिस समय घटना घटी थी उस समय वो एक होटल या रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।